नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। जबलपुर में सेना इतिहास रचेगी, भारतीय सेना के नाम एक और विश्व रिकॉर्ड आज दर्ज होगा। डेयर डेविल्स टीम नया विश्व कीर्तिमान बनाएगी। मोटरसाइकिल पर जांबाज हैरत अंगेज करतब दिखाएंगे। डेयर डेविल्स टीम के नाम पर 28 वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है। तो सेना के नाम एक और विश्व रिकॉर्ड दर्ज होगा। डेयर डेविल्स टीम नया विश्व कीर्तिमान बनाएगी। मोटरसाइकिल पर जांबाज हैरत अंगेज करतब दिखाएंगे। डेयर डेविल्स टीम के नाम पहले से ही 28 वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हैं। एक और नया कीर्तिमान आज बनाएगी। सबसे लंबी दूरी तय करेंगे लांस नायक। बुलेट के टेल लाइट के ऊपर बैठकर इतिहास रचा जाएगा। तो सेना के नाम एक और विश्व रिकॉर्ड आज दर्ज होगा। डेयर डेविल्स टीम एक और विश्व कीर्तिमान आज बनाएगी। जांबाज हैरत अंगेज करतब दिखाएंगे। बुलेट की टेल लाइट के ऊपर बैठकर नया इतिहास रचा जाएगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सेना के नाम आज एक और इतिहास रचने जा रहा है। डेयर डेविल्स की टीम जो पहले से ही 28 रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कर चुकी है, आज एक और नया हैरत अंगेज कारनामा दिखाने जाएगी। सबसे लंबी दूरी तय करेंगे लॉन्स नायक मिशाल गजानन बबन राव। बुलेट की टेल लाइट के ऊपर बैठकर इतिहास रचेंगे। भारतीय सेना के नाम एक और विश्व रिकॉर्ड दर्ज होगा। डेयर डेविल्स टीम नया विश्व कीर्तिमान बनाएगी। मोटरसाइकिल पर जांबाज हैरत अंगेज करतब दिखाएंगे। 28 वर्ल्ड रिकॉर्ड डेयर डेविल्स टीम के नाम पहले से दर्ज है और आज एक और नया रिकॉर्ड टीम बनाएगी। भारतीय सेना के नाम एक और विश्व रिकॉर्ड आज दर्ज होगा। डेयर डेविल्स की टीम नया विश्व कीर्तिमान बनाएगी। जहां मोटरसाइकिल पर जांबाज हैरत अंगेज करतब दिखाएंगे। बुलेट की टेल लाइट के ऊपर बैठकर इतिहास रचा जाएगा। डेयर डेविल्स की टीम के नाम पहले से ही 28 वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हैं। आज एक और नया वर्ल्ड रिकॉर्ड डेयर डेविल्स की टीम बनाएगी। सबसे लंबी दूरी तय करेंगे लांस नायक मिशाल गजानन बबन राव। नया विश्व कीर्तिमान आज डेयर डेविल्स की टीम बनाएगी। भारतीय सेना के नाम एक और नया विश्व रिकॉर्ड दर्ज होगा। दुर्गेश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जबलपुर से लाइव जुड़ गए हैं। दुर्गेश, आज सेना नया इतिहास रचने जा रही है, क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल गुंजन, देखिए भारतीय सेना के लिए आज के दिन वाकई गर्व का दिन है। और यदि हम डेयर डेविल्स की बात करें तो इसे यदि विश्व रिकॉर्ड का पर्याय बोला जाए तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि डेयर डेविल्स जाना जाता है पूरे देश में विश्व रिकॉर्ड के लिए। और आज जबलपुर में एक और बड़ा कीर्तिमान यहाँ पर रचा जा रहा है। जो जावाज भारतीय सेना के जवान हैं वो यहाँ पर एक ऐसा कीर्तिमान रच रहे हैं जो विश्व में बड़ा और सबसे लंबा रिकॉर्ड यहाँ पर दर्ज होगा। विजुअल्स में आप देख सकते होंगे गुंजन कि किस तरीके से जो जवान है वो अपनी मोटरसाइकिल के टेल लाइट पर बैठकर इस पूरे ग्राउंड का यहाँ पर चक्कर लगा रहे हैं। अब यदि मैं आपको ये बात बताऊं कि ये किस तरह का रिकॉर्ड होगा तो ये अपने आप में बेहद अनोखा रिकॉर्ड है गुंजन, क्योंकि देखिए जो डेयर डेविल्स की टीम है उसके जो जावाज जवान है जिनका नाम है मिशाल गजानन बब्बन राव, ये लांस लायक हैं भारतीय सेना में और 350 सीसी की रॉयल इनफील्ड पर अपनी गाड़ी के टेल लाइट पर, यानी कि ये वाकई हैरत अंगेज वाला है। क्योंकि देखिए नॉर्मल मोटरसाइकिल चलाना अलग बात होती है, लेकिन यदि आप मोटरसाइकिल के पीछे सीट के भी पीछे जो टेल लाइट होती है यदि उस पर बैठ कर आप गाड़ी चलाते हैं तो ये वाकई हैरत अंगेज है और ख़तरनाक भी है। लेकिन भारतीय सेना की लिए कोई भी काम बहुत आसान कर देती है भारतीय सेना, ये भारतीय की खासियत है। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि पूरे ग्राउंड का राउंड अभी लगा रहे हैं, तकरीबन 40 मिनट से ऊपर हो चुके हैं। और यदि अभी तक की मैं बात करूं तो 22 किलोमीटर का सफर अब तक जो है बब्बन राव तय कर चुके हैं अपनी मोटरसाइकिल के ऊपर। तय किया जाएगा रिकॉर्ड की मैं बात करूं तो इसके पहले जब हर
आप बिल्कुल गुंजन, देखिए इसी तरीके से जैसा कि अभी आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि इसी तरीके से ये जो भारतीय सेना के जवान है बब्बन राव, ये ऐसे ही तकरीबन 2 घंटे यहाँ पर सफ़र तय करेंगे और एक रिकॉर्ड बनाएंगे। अभी भी डेयर डेविल्स के नाम जो 28 तकरीबन, जैसा कि मैंने कहा कि 28 रिकॉर्ड डेयर डेविल्स के नाम अभी दर्ज हैं गुंजन। और आज के कार्यक्रम की यदि मैं बात करूँ तो इस भारतीय जवान को अपना हरी झंडी देने के लिए आज यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर देखे जो तो मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस संजय यादव जी यहाँ पर मौजूद थे, भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल यहाँ पर मौजूद थे, बाकी तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने हरी झंडी दिखाई और उसके बाद ये विश्व रिकॉर्ड का जो सफ़र है वो यहाँ पर शुरू हो गया है। और ये लगातार तकरीबन 2 घंटे तक इसी तरीके से जो जवान हैं वो इस तरीके से मोटरसाइकिल अपनी चलाएँगे और ये देख सकते हैं आप कि कितना अनोखा है और इतना हैरत अंगेज करने वाला है गुंजन। ये रिकॉर्ड जो है अपने आप में एक नया कीर्तिमान है जो आज यहाँ पर स्थापित होने जा रहा है और तमाम भारतीय सेना के लिए गर्व की बात है। खासकर यदि मैं जबलपुर की बात करूँ तो जबलपुर के लिए गर्व की बात है क्योंकि डेयर डेविल्स ने बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड हैं जो इसी मैदान पर जबलपुर की धरती पर यहाँ पर बनाए हैं गुंजन। बिल्कुल दुर्गेश, सबसे बड़ी बात यही है कि डेयर डेविल्स की अगर बात करें तो आपने भी कहा कि 28 उनके नाम पर पहले से ही कीर्तिमान है, एक और नया कीर्तिमान बनाने जा रहे हैं। डेयर डेविल्स को लेकर हमेशा से ही हैरत अंगेज करतब की याद आ जाती है। अब बिल्कुल गुंजन, देखिए जैसा कि मैंने कहा कि डेयर डेविल्स जो टीम है भारतीय सेना की, एक ऐसी टीम है जो विश्व रिकॉर्ड के लिए जानी जाती है और डेयर डेविल्स अपनी मोटरसाइकिल यानी कि जो उनकी बाइक होती है उसके ज़रिए ये नए कीर्तिमान यहाँ पर रचते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात बताऊँ गुंजन, इसी मैदान पर इसी भारतीय डेयर डेविल्स के एक जवान ने बहुत सारे जवान्स के ऊपर बाइक को जंप किया था, वो भी एक अपने आप में रिकॉर्ड था और आज फिर उसके बाद एक नया रिकॉर्ड यहाँ पर दर्ज किया जा रहा है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि लगातार ये राउंड यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, जो मिसाल बब्बन राव हैं भारतीय सेना के लॉन्स नायक के पद पर यह पदस्थ हैं और लगातार डेयर डेविल्स की टीम के साथ यहाँ पर काम करते हैं। और डेयर डेविल्स की न केवल बब्बन राव की बात करूँ गुंजन, जबकि हर एक डेयर डेविल्स का जितने भी जवान हैं वो अपने आप में बड़े तेज तर्रार होते हैं और ख़ासकर रिकॉर्ड के मामले में, यानी कि उनसे मैं ये कहूँ कि ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है मोटरसाइकिल के द्वारा जंप करने का या फिर उसके कहें कि सीढ़ियों के जरिए उसमें खड़े होने का। ये तमाम ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो डेयर डेविल्स बना चुकी है और आगे भी बनाती रहेगी। और कई बार ऐसा भी होता है गुंजन कि ये अपने रिकॉर्ड ही तोड़ते हैं, यानी कि आज यदि बब्बन राव यहाँ पर एक नया रिकॉर्ड स्थापित करते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी कि कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों बाद इसी डेयर डेविल्स का कोई दूसरा जवान इसी रिकॉर्ड को तोड़ दे। तो ये अपने आप में बेहद अनोखा होता है गुंजन। ये बात बताना कि कितना बड़ा कीर्तिमान है, ये तस्वीरें कितना बड़ा जबलपुर के लिए गर्व महसूस कराने वाली हैं। रिकॉर्ड बनाती है बिल्कुल गुंजन। देखिए जबलपुर में भारतीय सेना की डेयर डेविल्स की टीम यहाँ पर ट्रेनिंग करती है और ये जो मैदान है जिस मैदान में मैं हूँ, गौरी शंकर मैदान इसे कहा जाता है गुंजन, और इसी मैदान में लगातार डेयर डेविल्स की टीम जो है प्रैक्टिस करती है और इस तरह के रिकॉर्ड बनाने के लिए काम करती है। और ये जो मैदान आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा मैदान है और यहाँ पर जो डेयर डेविल्स के तमाम जो टीम मेम्बर है वो यहाँ पर आते हैं और रोज़ाना इसी तरह के प्रैक्टिस करते हैं। देखिए अभी हम लाइव दे रहे हैं गुंजन, हम बातचीत कर रहे हैं और इसी दौरान अभी देखिए 4 किलोमीटर एक्स्ट्रा यहाँ पर हो चुका है, यानी कि जो रिकॉर्ड है वो 24 किलोमीटर का हो चुका है और राउंड जो है वो 55 राउंड उठ सके। देखिए लगातार अपडेट उसको किया जा रहा है क्योंकि हर एक राउंड के बाद यहाँ पर किलोमीटर तय हो जाता है और उसके बाद जो है राउंड्स तय हो जाते हैं। तो यदि मैं तकरीबन समय की बात करूँ गुंजन तो 40 मिनट तकरीबन हो चुके हैं और इस तरह का ये जो रिकॉर्ड है वो लगातार यहाँ पर बनता जा रहा है। इस तरफ में देखिए आप फिर देखिए और जब वो बैठे हैं गुंजन, ये भी एक अपने आप में अनोखी चीज़ है कि वो जब टेल लाइट पर बैठे, देखिए जो टेल लाइट का मतलब होता है बैक लाइट, जो किसी भी गाड़ी का बैक लाइट होता है और उस बैक लाइट पर बैठकर गाड़ी चलाना ये वाकई हैरान करता है और अपने आप में रिकॉर्ड बनाता है। और इसीलिए गुंजन इसे कहा जा रहा है कि आज जबलपुर की ज़मीन पर भारतीय सेना एक नया विश्व रिकॉर्ड यहाँ पर कायम करने जा रही है। तस्वीरें हैं क्योंकि अगर आपको सीधे रास्ते पर बाइक इस तरीके से चलानी है तो फिर भी आसान है, लेकिन अगर आपको सर्कुलर मोशन में अगर बाइक को चलाना है तो वाकई ये तस्वीरें काफ़ी हैरत अंगेज नज़र आती हैं। जोश और उल्लास के साथ अपने पथ की ओर बढ़ते हैं।
बिल्कुल गुंजन, देखिए यही बात है, जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि ये आसान काम नहीं है और डेयरडेविल्स के लिए कोई भी स्टंट करना ये एक ऐसा होता है जैसे वो खिलौने, जैसे मोटरसाइकिल, चलती मोटरसाइकिल के साथ जैसे एक बच्चा खिलौने के साथ खेलता है, वैसे ही डेयरडेविल्स के ये जवान जो है मोटरसाइकिल के साथ इस तरह खेलते हैं। इस तरह मैं दिखाऊँगा आपको जो मंच तैयार किया गया है, यहाँ पर बहुत सारी तस्वीरें यहाँ पर ऐसी लगाई गई जिनमें सीढ़ियों पर लोग खड़े होते हैं और यहाँ देखिए लगातार ये देखिए बैठने का जो तरीका है गुंजन, ये इतना आरामदायक है जैसे हमें लगेगा बहुत आसान है ये करना है, लेकिन जब इसे करने जाता है तब इसकी असलियत समझ में आती है कि कितना खतरनाक है, क्योंकि एक बाइक को एक स्पीड पर राउंड करवाना एक ही मैदान पर ये बहुत ही टफ काम है गुंजन, और इसीलिए कहा जा रहा है कि आज यहाँ पर विश्व रिकॉर्ड कायम होगा। देखते ही देखते 26 किलोमीटर यहाँ पर रनिंग अब तक बबन राव कर चुके हैं और ये सिलसिला अभी तकरीबन 1.5 घंटे और आगे चल रहा है। बिल्कुल दुर्गेश, दर्शक दीर्घा में कितने लोग वहां पर मौजूद हैं, थोड़ा चाहेंगे कि आप अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करें कि आसपास की तस्वीरें भी वो वहां से दिखाएं हमें। आप बिल्कुल गुंजन, देखिए इस विश्व रिकॉर्ड को देखने के लिए यहाँ पर भारतीय सेना के तमाम जवान, उनके परिवार यहाँ पर आए हुए हैं, और चूंकि ये जब रिकॉर्ड बनेगा तब यहाँ पर ज़रूर और भी संख्या में यहाँ पर जो उनके परिवार हैं वो यहाँ पर आएंगे। अभी चूंकि ये रिकॉर्ड बनना शुरू हुआ है, सुबह जब कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी तब यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आए थे, जैसा कि मैंने कहा कि लेफ्टिनेंट जनरल यहाँ पर आए हुए थे, इसके साथ साथ हाईकोर्ट के कार्यवाहक जो मुख्य न्यायाधीश हैं संजय यादव, जस्टिस संजय यादव, वो यहाँ पर आए थे, उन्होंने यहाँ पर हरी झंडी दिखाई और उसके बाद ये रिकॉर्ड बनना शुरू हो चुका है। और ये रिकॉर्ड तकरीबन जैसा कि मैंने कहा कि 1.5 घंटे अभी और चल रहा है, यानी कि 26 किलोमीटर हो चुके हैं और तकरीबन यहाँ पर अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि तकरीबन 100-125 किलोमीटर का रिकॉर्ड यहां पर बनाया जाएगा और इससे और ज्यादा होने की उम्मीद है। तो ये रिकॉर्ड जब कायम हो जाएगा तब बधाई देने का सिलसिला दिखा है, क्योंकि हमने देखा इसके पहले भी जितने रिकॉर्ड इस स्थान में बने हैं गुंजन, जब रिकॉर्ड बन जाता है तब उसके बाद खुशी यहाँ पर एक अनोखी देखने को मिलता है, अनोखा उत्साह यहाँ पर देखने को मिलता है गुंजन। तो वो सबको कैसे जो बब्बन राव जो है वो अपना रिकॉर्ड पूरा करें, सफलतापूर्वक पूरा करें, किसी तरह का हादसा ना हो, ये तमाम यहाँ पर लोग जो है वो उम्मीद लगाए बैठे हैं और उनको टक्की लगा देख रहे हैं गुंजन। ठीक है दुर्गेश, बने रहिए हमारे साथ। ये दो तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं शहीदों को श्रद्धांजलि यहाँ पर दी जा रही है, वॉर मेमोरियल से सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर जबलपुर से तस्वीर है जो हमारे संवाददाता लगातार आपको दिखा रहे हैं। जो पहली तस्वीर है 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के 50 साल पूरे हो गए हैं, उसको लेकर आज शहीदों को श्रद्धांजलि वहां पर दी जा रही है, जिसकी आप ये तस्वीर देख रहे हैं। वॉर मेमोरियल से ये सीधी तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को भारत के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा था। इस युद्ध के 50 साल पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी नेशनल वॉर मेमोरियल में स्वर्णिम विजय मिशाल को आज यहाँ पर प्रज्वलित करेंगे। साल भर चलने वाले कार्यक्रमों की शुरुआत यहाँ से होगी, जिसकी पहली तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ जंग में जीत और बांग्लादेश की आज़ादी के बाद से भारत 16 दिसंबर यानी कि आज को विजय दिवस के तौर पर मनाता है और विजय दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है, जिसकी ये तस्वीर है। दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं जबलपुर से सीधी तस्वीर है, जहां पर डेयर डेविल्स का एक और हैरत अंगेज कारनामा आपको तस्वीरों में नजर आएगा। करीब 26 किलोमीटर इसी तरीके से डेयर डेविल्स का ये जवान दूरी तय कर चुका है और करीब अभी 1.5 घंटे और इसी तरीके से ये बाइक चलाकर एक नया विश्व कीर्तिमान अपने नाम करेगा। डेयर डेविल्स टीम के नाम पर पहले से 28 वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हैं। सबसे लंबी दूरी तय करने के लिए लांस नायक मिशाल गजानन बबन राव सबसे लंबी दूरी यहां पर तय करेंगे। दुर्गेश हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दुर्गेश, डेयर डेविल्स का ये कारनामा हम लगातार देख पा रहे हैं, अब तक कितनी किलोमीटर की दूरी तय हो गई है और कितना वक्त और जब ये विश्व रिकॉर्ड बन जाएगा? जी
बिल्कुल गुंजन, देखिए लगातार यहाँ पर लांस नायक बब्बन राव जो हैं वो अपना सफ़र तय कर रहे हैं, और यदि मैं किलोमीटर की बात करूँ तो बातों ही बातों में गुंजन यहाँ पर किलोमीटर की बात करूँ तो लगातार अपडेट हो रहा है। 28 किलोमीटर का सफ़र यहाँ पर तय किया जा चुका है और 64 राउंड यहाँ पर हो चुके हैं। 28 किलोमीटर हो चुके हैं और 64 राउंड यहाँ पर इस ग्राउंड के हो चुके हैं, और ये सिलसिला जैसा कि मैंने कहा तकरीबन 1.5 घंटे और चल रहा है, यानी कि जो रिकॉर्ड है वो लगभग 100 किलोमीटर से ऊपर यहाँ पर बनने की उम्मीद है। और यहाँ पर जितने भी जो डेयर डेविल्स के जवान हैं वो यहाँ पर तैनात हैं, हौसला अफजाई कर रहे हैं बब्बन राव जी का, जो लगातार तरह तरह के स्टंट कर रहे हैं अपनी बाइक पर, और ये बता रहे हैं कि कितनी मेहनत यहाँ पर लगती है। यदि जब कोई विश्व रिकॉर्ड बनाना होता है, विश्व रिकॉर्ड को तोड़ना होता है, तो उसके लिए एकाग्रता अनुशासन की कितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है। और डेयर डेविल्स यही सिखाता है गुंजन हमें कि एक इंसान के ज़िंदगी में एकाग्रता और अनुशासन की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। यदि एकाग्रता और अनुशासन उसके जीवन में है तो उसके लिए कोई भी रिकॉर्ड बड़ा नहीं है, कोई भी उसके लिए मंजिल पाना कठिन नहीं है, कोई भी उसके लिए काम कठिन नहीं होगा। यदि वो अपनी पूरी, और ये जो काम यहाँ पर गुंजन किया जा रहा है बब्बन राव जी के द्वारा या डेयर डेविल्स की टीम के द्वारा, जितने भी यहाँ पर रिकॉर्ड बनाए गए हैं वो रिकॉर्ड केवल ये बताते हैं कि यदि आपके अंदर एकाग्रता है, अनुशासन है, आपके अंदर एक जज्बा है किसी भी रिकॉर्ड को तोड़ने का, बनाने का, किसी भी मंजिल तक पहुँचने का, तो फिर आपको कोई भी पीछे नहीं छोड़ सकता, फिर आपको केवल आगे निकलते जाना है और उसके लिए आपको कोई रोक नहीं पाएगा। यही बात दर्शाती है पूरी डेयर डेविल्स की टीम। और ये जो और देखिए बहुत कठिन होता है गुंजन, यदि हम आपकी ही बात कर लें तो हम लगातार 2 घंटे बाइक नहीं चला सकते, चला भी लेते हैं तो थकान महसूस हो जाती है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए बाइक पर सीट पर ना बैठकर बैक टेल लाइट पर बैठकर लगातार बाइक चलाना, कंटिन्यू बाइक चलाना, ये हो सका है इंसान की एकाग्रता से। काम करते हो तो ये सफलता आपको हासिल हो सकती है, लेकिन ये हर किसी के लिए इतना आसान नहीं है गुंजन, ये केवल कर सकती है हमारी भारतीय सेना, हमारी भारतीय सेना की अनुशासन को दर्शाती है, और कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की आम जनता को कोशिश करते हैं कि अगर आप किसी चीज को ठान ले और ढंग से उसका अभ्यास करें तो कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। बिल्कुल गुंजन, देखिए यही यहाँ पर कोशिश होती है, और भारतीय सेना तो हमारी भारतीय सेना तो जानी ही जाती है अनुशासन के लिए, एकाग्रता के लिए, और यही वजह है कि आज डेयर डेविल्स जो है इस तरह के रिकॉर्ड हर बार बनाता है और हर बार अपने रिकॉर्ड में कायम होता है। कभी भी कोई ऐसा रिकॉर्ड उनका नहीं रहा जिसमें वो विफल हुए हों या उन्हें सफलता हासिल हुई हो। जब भी रिकॉर्ड बनाने डेयर डेविल्स की टीम मैदान पर उतरी है तो उसे सफलता ही हासिल हुई है, और आज भी एक बड़ी सफलता यहाँ पर हासिल करने जा रही है डेयर डेविल्स की टीम। और जो लांस लायक हैं बब्बन राव, वो लगातार अभी भी कंटिन्यू यहां पर अपना रिकॉर्ड की ओर बढ़ रहे हैं और राउंड लगा रहे हैं गुंजन। बिल्कुल दुर्गेश, बने रहिए आप हमारे साथ। लगातार ये 2 तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर वॉर मेमोरियल की तस्वीर है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी पहुंच रहे हैं। 1971 के युद्ध के बाद से 50 साल पूरे हो चुके हैं। थोड़ी ही देर में अब से स्वर्ण मशाल खुद प्रधानमंत्री मोदी यहां पर जलाएंगे। पाकिस्तान के खिलाफ जंग में जीत और बांग्लादेश की आजादी के बाद से आज के दिन को यानी कि 16 दिसंबर को विजय दिवस के तौर पर मनाया जाता है, और आज भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री मोदी अब से कुछ देर बाद पहुंचेंगे।